पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने और इस पर मोड़दार पर्वत कैसे बने और इस पर ज्वालामुखी की घटनाएं कैसे हुईं, इस पर विभिन्न भूभागों में जलवायु परिवर्तन कैसे हुए, यह जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और जियोग्राफर के लिए एक कौतूहल और उत्सुकता और अनुसंधान का विषय रहा है और इससे संबंधित कई विद्वानों ने अपना विचार दिया है, जैसे एफ बी टेलर ने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, लेकिन उसी के साथ कोबर महोदय ने श्रिंकिंग सिकुड़न का विचार दिया कि हमारी पृथ्वी गर्म थी और उसको सिकुड़ने के फलस्वरूप ही महाद्वीप और महासागर उत्पन्न हुए। लेकिन टेलर के आगे प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और वैज्ञानिक आधार दिया और यह एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और इन्होंने विभिन्न महाद्वीपों में क्लाइमेटिक चेंजेस के एविडेंसेस देखा कि महाद्वीपों में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, तो इन्होंने उसको आधार मानकर और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस तरह से महाद्वीप टूटते हैं और खिसकते हैं, सियाल के पार्ट है वो सीमा पर खिसकते हैं और महासागर अस्तित्व में आते हैं और उसी खिसकाव के फलस्वरूप उन महाद्वीपों के किनारों पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो इनका सिद्धांत पर्याप्त वैज्ञानिक है और यह प्लेट टेक्टोनिक को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इसलिए आइए हम लोग वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। ये अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट या भूआकृति विज्ञान वेत्ता नहीं थे, लेकिन आज ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते पढ़ते इनको जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, बॉटनी, ओशनोग्राफी का पर्याप्त ज्ञान हो गया। अर्थात यदि ज्ञान के किसी एक क्षेत्र में आप गहराई में तह में घुसते हैं तो उससे संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। और इन्होंने यह विचार 1912 में दिया लेकिन यह प्रकाश में 1922 में आया। इनका उद्देश्य क्या था? इन्होंने तीन उद्देश्य लेकर अपना अध्ययन शुरू किया। पहला था टू एक्सप्लेन क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना। इन्होंने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप में ही जलवायु समय समय पर चेंज हुई है जिसके लक्षण मिलते हैं, भारत में भी चेंज हुई है जिसके लक्षण मिलते हैं। इनको डाउट हो गया कि क्या जलवायु पेटियाँ खिसक कर इन भूखंडों पर गई हैं या ये भूखंड ही खिसक कर विभिन्न जलवायु पेटियों से घूमते हुए आज अपनी स्थिति में है। दूसरा इनका उद्देश्य था टू प्रूव दैट ओशन बेसिन्स एंड कॉन्टिनेंट्स आर अनस्टेबल, कि महाद्वीप और महासागर बेसिन अस्थाई हैं और उनमें चेंज होता रहता है। पहले अनस्टेबल अर्थ के कुछ और भी कॉन्सेप्ट पहले दिए जा चुके थे लेकिन उसको वैज्ञानिक आधार इन्होंने दिया और यह सत्य भी है क्योंकि आज यह सिद्ध हो रहा है कि महाद्वीपों की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति बदल रही है। कोई महासागर जैसे प्रशांत यदि सिकुड़ रहा है तो दूसरा अटलांटिक इंडियन फैल रहा है। और तीसरा इनका उद्देश्य था कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हेंस क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा किए थे कि महाद्वीप खिसकते हैं इसलिए वह विभिन्न जलवायु पेटियों से होकर गुजरते हैं और उनमें उन जलवायु पेटियों के लक्षण और स्थल स्वरूप और उनकी पहचान मिलती है। और अब हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ मान्यताएं माना, पास्टुलेशंस, जैसे इन्होंने एक माना कि हमारी पृथ्वी तीन परतों से बनी है, सबसे ऊपर सियाल, उसके नीचे सीमा और उसके नीचे निफे, क्योंकि उस समय तत्कालीन कॉन्सेप्ट यही प्रिवेल कर रहा था। दूसरा इन्होंने माना कि सियाल हल्का होता है जो तैरता है सीमा के ऊपर, यह कॉन्सेप्ट आज भी सत्य है लेकिन आज सियाल को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है और सीमा को मैंटल कहा जाता है। तीसरी इनकी मान्यता थी कि इन कार्बोनिफेरस देयर वाज पैंजिया,
कार्बोनिफेरस काल में एक महास्थल खंड था जिसको पैंजिया कहा जाता था। यदि आज वर्ल्ड के मानचित्र पर सब महाद्वीपों को एक साथ आप जोड़ लें तो सब एक पिंड की तरह दिखेंगे, और इस तरह से यह पैंजिया एक महास्थल खंड था जिसके चारों तरफ पैंथालसा महासागर का जल भरा हुआ था। अब इसी पैंजिया से कैसे हमारे आज के महाद्वीप बनेंगे, इसकी कथाएं आगे बताते हैं। फिर चौथी मान्यता इनकी थी कि पैंजिया सराउंडेड बाई पैंथालसा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया। अगला पॉइंट है इन द एंड ऑफ कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल के अंत में यह पैंजिया टूटना शुरू किया और यह बीच से फटा, दो भागों में बटा, उत्तर का लारेंसिया और दक्षिण का गोंडवानालैंड। ये यहीं से फटा, क्योंकि क्यों फटा, इसके फटने का कारण इन्होंने दो बल बताया जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। और यह टूटकर दो भागों में बट गया, उत्तर का भाग लारेंसिया और दक्षिण का भाग गोंडवानालैंड या शील्ड कहलाया, और दोनों के बीच बनी हुई दरार में इस पैंथालसा महासागर का जल प्रवेश कर गया और यही बना तिथिस महासागर। और बाद में यही तिथिस भूसन्नत। फिर आगे क्या हुआ इसके बारे में अभी हम लोग आगे सीखते हैं। और इन्होंने इस महाखंड को तोड़ने के लिए एक व्यवस्था किया और उसमें फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट कैसे टूटा और कैसे यह प्रवाहित हुआ, कैसे लारेंसिया उत्तर की तरफ गया और गोंडवाना भी बाद में विखंडित होकर उत्तर गया, इसकी बात ये बताते हैं। और इन्होंने दो बल माना। पहला बल फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर वर्ल्ड फोर्स अर्थात भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल, और दूसरा बल टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स दैट वाज वेस्टवर्ड। इन्होंने दो बलों के बारे में जो संकल्पना किया, पहला भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल फोर्स ऑफ बॉयंसी, उसमें इन्होंने बताया कि उस समय कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी अपने अक्ष पर आज की अपेक्षा बहुत तेज घूम रही थी। परिणाम क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक था और यह भूखंड लारेंसिया, लारेंसिया शब्द को आप पहचान रहे होंगे, सेंट लारेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच पूर्वी तट पर, और उसी से लारेंसियाई शील्ड, सेंट लारेंस नदी, सेंट लारेंस टाइप क्लाइमेट और लारेंसिया शील्ड नाम पड़ा। तो वह लारेंसिया भूखंड भी इक्वेटर की तरफ आया और जो साउथ में गोंडवाना लैंड था वो भी इक्वेटर की तरफ आया। इस तरह से फोर्स ऑफ बॉयंसी उत्प्लावन बल के कारण यह दोनों स्थल, या आज भी कोई स्थल है तो इक्वेटर की तरफ ही आएगा। फिर उन्होंने दूसरा बल टाइडल फोर्स बताया, क्योंकि इनका भी मानना टेलर की तरह ही था, जैसा कि एफ बी टेलर ने माना था कि पृथ्वी से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और बने हुए गड्ढे में जल भर गया जो आज प्रशांत महासागर है। इनका भी मानना ही था, इसलिए उस समय उत्पत्ति के समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक था और उसका टाइडल बल, ज्वारी बल पृथ्वी पर अधिक पड़ रहा था। इतना पड़ रहा था कि उसके ज्वारी बल से कोई भी भूखंड या स्थल पश्चिम की तरफ खिसक रहा था। भूखंड माने सियाल का एक टुकड़ा, जो बड़ा या छोटा हो, वो पश्चिम तरफ खिसक रहा था। इस तरह से पश्चिम की तरफ बल लगा और इन्होंने माने अल्फ्रेड वेगनर ने ये दो बल माना और इसी के आधार पर कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराया। वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीप को प्रवाहित या ड्रिफ्ट करने के लिए दो बलों का उल्लेख किया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इनकी यांत्रिकी क्या थी, मैकेनिज्म क्या था, किस तरह से इन्होंने स्थल खंडों को तोड़कर और उनको डिसइंटीग्रेट किया या ड्रिफ्ट कराया। मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि गोंडवाना लैंड डिसइंटीग्रेटेड इन जुरासिक पीरियड,
ये दक्षिण का गोंडवाना लैंड जुरैसिक पीरियड में टूट गया और उसका परिणाम क्या हुआ कि इसके टूटने से अटलांटिक महासागर खुला। इसके टूटने का आधार क्या था? बीच से, और बीच से टूटकर इसका पश्चिम का भाग दक्षिण अमेरिका हो गया और ये भाग अफ्रीका हो गया, और इस तरह से दोनों के बीच में अटलांटिक ओशन खुलना शुरू हो गया। और अटलांटिक ओशन का आकार यस के आकार का है, और इसी के परिणाम स्वरूप मिड अटलांटिक रिज का निर्माण हुआ। जैसे आप अगर देखें दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट यदि लगाया जाए इससे अफ्रीका के पश्चिम तट से, तो ये आकर के इसमें बैठ जाएगा, और यही इनका जिग्सा फिट का कॉन्सेप्ट था जो बता रहा है कि कभी पास्ट में यह दक्षिण अमेरिका इससे लगा हुआ था, और यह भारत का भाग इससे लगा हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया भी यहीं था। और सबको अगर पीछे खींच दिया जाए तो प्राचीन भौगोलिक विगत में सब इस मुख्य भूखंड पांजिया का जो अवशिष्ट भाग आज है अंटार्कटिका से संबद्ध थे, और इसी तरह से यह उत्तर का लारेंसियाई सील था, और लारेंसियाई सील भी दो भागों में बटा जिन बलों के कारण, अर्थात पश्चिम की तरफ जो टाइडल फोर्स काम कर रही थी उसी से दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ खिसका, और उत्तरी अमेरिका यूरेशिया से अलग होकर पश्चिम की तरफ खिसका। इस तरह से इन्होंने बताया कि आज की स्थिति में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया कॉन्टिनेंट है, और इसी तरह से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और बचा हुआ भाग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, और इन्होंने यस के आकार का अटलांटिक महासागर का स्वरूप देखा और उसको जियोलॉजिकली सिद्ध किया। और इन्होंने ये भी पाया कि यहाँ पर मध्य अटलांटिक रिज या कटक है जो कि आग्नेय चट्टानों या बेसाल्ट का बना है, और यह प्लेट टेक्टोनिक को एक वैज्ञानिक और सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से साउथ अमेरिका अभी देख ही रहे निकला, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अलग अलग कैसे अस्तित्व में आए, और ये सब के सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। इतना भाग पूरा ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और इतना भाग लारेंसियाई सील या अंगारा लैंड का भाग है। जैसे गोंडवाना लैंड टूटकर कई भागों में मटा, उसी तरह से लारेंसिया भी टूट गया उन्हीं शक्तियों के कारण जिसको वेगनर ने बताया, विशेष रूप से टाइडल फोर्स के कारण, और अमेरिका और यूरेशिया भी अलग अलग अस्तित्व में आए। अब वेगनर की कुछ फाइंडिंग्स थी, कुछ उपलब्धियां थी जिसको हम देखते हैं कि वैसे इन्होंने कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराया, और ड्रिफ्ट कराने का उद्देश्य था क्राइमेटिक स्टडी, लेकिन उसी के साथ ही इनको एक चीज़ और प्राप्त हो गई, फोल्डेड माउंटेन्स मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति इन्होंने इसके आधार पर सिद्ध कर दिया। कैसे? क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट मूव करते हैं उसी के कारण ये मोड़दार पर्वत उत्पन्न होते हैं, जैसे राकीज, इंडीज, हिमालयाज। आइए देखते हैं कि इन्होंने राकीज पर्वत की उत्पत्ति कैसे बताया। जब उत्तरी अमेरिका यूरेशिया से लगा हुआ था तब यहाँ पर अटलांटिक महासागर नहीं था, और न ही दक्षिण अटलांटिक महासागर था जब भौगोलिक विकट में दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से लगा हुआ था। जैसे ही यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यूरेशिया से टूटकर पश्चिम की तरफ खिसका, तो इसका पूरा का पूरा दबाव पश्चिम हो गया। और यदि आप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की चट्टानों का अध्ययन करें और उनकी रूपरेखा को देखें, तो यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम तट की चट्टानें और उनकी रूपरेखा लगभग वैसी हैं, और दोनों को अगर साथ ला दिया जाए तो सिद्ध होगा कि दोनों कभी आपस में जुड़े थे। और उसी तरह से यदि आप
दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की चट्टानों और उनके स्वरूप का अध्ययन करें और उसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट की चट्टानों और स्वरूप का अध्ययन करें तो दोनों में समरूपता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में और उनके उच्चावच में। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह भाग कभी इससे जुड़ा था, लेकिन यह विग्नर के दो बलों के कारण टूटा। जैसे कि यदि आप दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कैसे एक दूसरे से अलग हुए, आइए हम देखते हैं इस मॉडल में। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ये है अफ्रीका, और दोनों को अलग करने वाला बल विग्नर महोदय ने समझाया है। और दोनों कैसे अलग हुए, इस तरह से अलग हुए और अलग होकर के एक दूसरे से दूर गए, और पहले इनके चारों तरफ एक महासागर का जल था जो कि पैंथालसा था। जैसे ही दोनों अलग हुए और दरार फटी तो उस दरार में पैंथालसा का जल आ गया और वही बीच में अटलांटिक महासागर खुला, नॉर्थ और साउथ अटलांटिक महासागर वही खुला। और इस तरह से यदि दोनों को फिर से एक साथ ला दिया जाए तो दोनों की चट्टानें और दोनों की स्थलाकृतियाँ एक दूसरे से ऐसे बैठ जाएंगी जैसे ये दोनों कभी एक साथ थी, और भौगर्भिक सर्वेक्षण और रिसर्च इस बात की पुष्टि भी करते हैं। और इस मॉडल को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आप एक पेड़ा खाते होंगे ज़रूर, लेकिन वह शुद्ध चीनी का बना हो जिससे उसको तोड़ने के बाद वो पुट हो जाए, और उसको यदि आप उसको यदि आप तोड़ते हैं, तोड़ने वाला बल विग्नर का ही होगा, तो वो पेड़ा इस तरह से देखा है। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है अफ्रीका, दोनों को जोड़ दिया जाए तो एकदम से ऐसा बैठ जाएगा, और इसी को विग्नर ने जिगसा फिट कहा, और दोनों को अपने बल द्वारा तोड़कर अलग कर बीच में अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति कराया। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से अलग हुआ, और यहाँ जिगसा फिट का कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट लागू होता है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच में। और विग्नर ने यहाँ भी जिगसा फिट का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि अमेरिका महाद्वीप के पूर्व की चट्टानें और यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम की चट्टानों में सिमिलरिटी है, और वहाँ पर जलवायु में भी सिमिलरिटी है, लोगों में भी सिमिलरिटी है। और इसी आधार पर मैकेंडर ने, जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में अपना सिद्धांत दिया, हार्टलैंड थियोरी। और हार्टलैंड थियोरी पढ़ते समय भी हम लोग विग्नर को एक बार याद करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने यह बताया कि कैसे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड विखंडित हो गए। फिर इन्होंने इसके बारे में कुछ और फाइंडिंग्स, प्राप्तियां या उपलब्धियां पाया, जैसे कि इन्होंने बताया आइलैंड आर द रेमनांट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन्होंने बताया कि द्वीपचाप जो लंबे आकार में फैले हैं वो महाद्वीपों के खिसकने के कारण महाद्वीपों के छूटे हुए अवशिष्ट भाग हैं। उदाहरण इन्होंने दो दिया, एक तो कनाडा के उत्तर में द्वीप चाप की एक रेखा, और दूसरा एशिया महाद्वीप के पूर्व में जापान से लेकर इंडोनेशिया तक एक चाप के आकार में फैले हुए द्वीपों की श्रृंखला। लेकिन इनका कुछ दिन तक यह मान्य रहा, लेकिन आज यह मान्य नहीं है, जिसको हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका एशिया महाद्वीप का पूरब के भूखंड की जितनी चट्टानें हैं वह चट्टानें इन द्वीपों पर नहीं मिलती हैं, बल्कि यह द्वीपचाप ज्वालामुखी के हैं। यह तो इनकी आलोचना होगी, लेकिन पहले सिद्धांत सीख लें, फिर हम लोग इनकी आलोचना करेंगे। विग्नर महोदय ने किस तरह से लॉरेंसियाई सील्ट और गोंडवाना लैंड को विखंडित किया, आइए हम लोग इसका एक मॉडल देखते हैं। यह मॉडल गोंडवाना लैंड का है, लेकिन इसमें एक कमी लग रही होगी जिसको आप बूझिए तो हम आपको समझें। इसमें ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका से ही भौगर्भिक विकट में
जुड़ा हुआ था इंडियन पेनिनसुला भारतीय प्रायद्वीप, और ये सब के सब जुड़े हुए थे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, लेकिन इसमें एक किसी की कमी लग रही है, आप समझ गए होंगे, वो था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया भी यहीं जुड़ा था, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक फोल्डेड माउंटेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप इस तरह से अगर देखें तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंडवाना लैंड जब एक साथ था तब उसका विखंडन हुआ और उसके किनारों पर ही क्यों फोल्डेड माउंटेन बने। और आईएएस में जनरल स्टडीज में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि विश्व के अधिकांश मोड़दार पर्वत महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं, इसको आप सकारण व्याख्या कीजिए। आप इसका आप मतलब समझ गए होंगे कि ये सब के सब जुड़े हुए थे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, लेकिन जब विग्नर ने बताया कि उनके दोनों बलों के कारण यह विखंडित हुआ तो अफ्रीका महाद्वीप उत्तर गया, और अफ्रीका के उत्तर जाने के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इससे अलग होकर के और पश्चिम जाने लगा इस तरह से। और पश्चिम जाने का परिणाम क्या हुआ, आप देख रहे होंगे कि पश्चिम में जब ये पश्चिम जाने लगा तो एक साइंटिफिक फैक्ट और है कि कोई चीज़ जिस तरफ जाएगी उधर दबी होगी और जिधर से आएगी उधर उठी होगी, इसलिए यह भाग उठा और ये भाग दबा, और दबने के फलस्वरूप इसके पश्चिम किनारे पर जो सेडिमेंट जमा था उस पर इस भूखंड का दबाव पड़ा और एक मोड़दार पर्वत एंडीज अस्तित्व में आया। इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप भी उत्तर की तरफ गया और उसके दबाव से यहाँ पर एक पर्वत फोल्डेड माउंटेन अस्तित्व में आया, इसका नाम तो आप जानते होंगे एटलस। और इसी और इस तरह से यदि दोनों को लाकर एक साथ बैठा दिया जाए तो इसी को कहा जाता है जिग्सॉ फिट। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया किस तरह से टूटा और यह उत्तर गया, और उत्तर जाने के फलस्वरूप इसके उत्तर में हिमालय फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति हुई टिथिस जियोसिंक्लाइन से। और यदि इंडिया को अभी पीछे ला दिया जाए तो यहाँ पर ये भी बढ़ जाएगा, और यहाँ गुजरात की चट्टाने केनिया की चट्टानों से मिलती जुलती रहेगी। इस तरह से आपका देख रहे होंगे तो इन्होंने गोंडवाना लैंड के विखंडन की बात किया और किनारों पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति बताया। अभी हम लोगों ने एक वर्किंग मॉडल में देखा कि वेगनर महोदय ने किस तरह से महाद्वीपों को विखंडित कर और उन भूखंडों को व्यवस्थापित कराया, और उसके परिणामस्वरूप उन महाद्वीपों के या भूखंडों के अग्रभाग फोरलैंड में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। आइए हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर पश्चिम की तरफ गया और इसका पूर्वी भाग उठा हुआ था, पश्चिमी भाग दबा हुआ था, और पश्चिम की तरफ गहरे भूसन्नति में जमा हुए अवसाद पर पड़ा दबाव और निकला एंडीज माउंटेन। इसी तरह से अफ्रीका भूखंड उत्तर की तरफ गया, दक्षिण भाग उठा हुआ था और उत्तर में एटलस पर्वत की उत्पत्ति हुई, और भारत भूखंड जो आज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में है उत्तर और उत्तर पूर्व गया, और इसके दबाव से यहाँ पर हिमालय माउंटेन की उत्पत्ति हुई। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का भूखंड उत्तर पूर्व गया जिसके दबाव से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत बना। इस तरह से इन्होंने यह स्पष्ट किया कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए भूखंडों के सामने वाले भाग में ही मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। वेगनर महोदय के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि बल काम करते हैं, और महाद्वीप किस तरह से अलग हुए हैं गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया शील्ड से, और उनके कुछ साक्ष्य हैं जिनको आइए हम लोग देखते हैं। इनका पहला वैज्ञानिक साक्ष्य है जिग्सॉ फिट का कॉन्सेप्ट, और जिग्सॉ फिट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने दो ज्वलंत उदाहरणों के सापेक्ष में पढ़ा, जैसे कि साउथ अमेरिका
कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और इसी तरह से इंडिया भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, इसके आज वैज्ञानिक साक्ष्य भी मिल रहे हैं। दूसरा इनका पॉइंट है साक्ष्य में कि कैलिडोनियन एंड हर्सेनियन माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन बोथ कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट और पूर्वी तट की स्थलाकृति समरूप है और उसमें कुछ मोड़दार पर्वत भी हैं और वो बहुत पुराने पर्वत एक ही समय के हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कभी वो भौगर्भी विकट में आपस में सटे हुए थे। तीसरा पॉइंट है देयर इज स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की संरचना या चट्टान और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट की संरचना या चट्टान में समरूपता पाई जाती है। इसी तरह से इन्होंने बताया कि ऑन द बोथ कोस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड फॉसिल्स आर फाउंड, अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि पास्ट में दोनों एक साथ थे और दक्षिण में थे, एक जलवायु दशा में थे। नेक्स्ट पॉइंट है एट प्रेजेंट आज ग्रीनलैंड ड्रिफ्टिंग वेस्टवर्ड। आज प्लेट टेक्टोनिक भी इस चीज़ को सिद्ध करता है कि ग्रीनलैंड पश्चिम की तरफ खिसक रहा है और इसके खिसकने की दर 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। तो इन्होंने भी इस चीज़ को कहा था, इसका मतलब कि इनका उस समय का विचार आज वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लेमिंग एक जीव है, रोडेंट है, जो कि आज स्कैंडिनेविया में बहुतायत में पाया जाता है और इसकी आदत होती है कि यह पश्चिम की तरफ भागता है इस आशय से कि पश्चिम में कोई स्थल होगा, और सचमुच स्थल था भी। इसके पूर्वज पश्चिम में जाते थे और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उस समय यूरोप से सटा हुआ था और वहाँ स्थल पर निवास करते थे, लेकिन यह पश्चिम की तरफ भागकर समुद्र में गिर जाता है, जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि कभी भौगर्भिक विगत में दोनों स्थल खंड एक थे और यह जानवर लेमिंग पूरे आर्कटिक क्षेत्र में निश्चिंत होकर के यात्रा करता था। अगला पॉइंट है ग्लोसोप्टरिस वेजिटेशन। यह एक फ्लोरा होता है, वनस्पति होती है, और इसके लक्षण आज वैसे यह तो समाप्त प्राय हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेष या फॉसिल्स आज दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में, भारत के दक्कन पठार पर और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो इस बात के सबूत है ये सब कभी एक साथ थे, दक्षिण में थे, एक क्लाइमेटिक कंडीशन में थे, किंतु आज ये अलग हो गए हैं, जलवायु दशा बदल गई है, ये आज की जलवायु दशा में जीवित नहीं रह सकते, लेकिन इनके अवशेष पैलियोबॉटनी पूरा वनस्पति शास्त्र की कथा बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन एविडेंसेस आर फाउंड इन। इनका अगला पॉइंट है कि कार्बोनिफेरस काल में हिमानीकरण हुआ था और वह हिमानीकरण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से इक्वेटर की तरफ बढ़ा था, लेकिन कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया एक महास्थल खंड था और उत्तरी ध्रुव पर कोई भूखंड ही नहीं था, इसलिए कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकरण का सभी लक्षण दक्षिण गोलार्ध में ही मिलता है, अर्थात कार्बोनिफेरस काल के निक्षेप या उससे अपरदन और निक्षेप जनित सतहें और स्थल लोग दक्षिणी अमेरिका में, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अफ्रीका के दक्षिणी भाग, भारत के दक्षिणी पठार और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस तरह से यह सिद्ध करता है कि ये सब भूखंड भौगर्भी विकट में एक साथ जुड़े थे और सब के सब आज की अपेक्षा दक्षिण की तरफ थे, जो ग्लेशिएशन से प्रभावित थे।
लेकिन इसी के साथ अगर व्याख्या करनी हो कि क्या प्लीस्टोसीन हिमानीकरण के लक्षण भी आज इन भूखंडों पर मिलेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि प्लीस्टोसीन अभी हाल का जियोलॉजिकल काल है और इस समय उत्तरी अमेरिका अपनी स्थिति में और यूरोप महाद्वीप अपनी स्थिति में है और प्लीस्टोसीन हिमानीकरण का प्रभाव उत्तर से भी आया, इसलिए उत्तरी अमेरिका स्पेशली कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया और रशिया का उत्तरी भाग प्लीस्टोसीन हिमानीकरण से अधिक प्रभावित हुआ, दक्षिण गोलार्ध का कम, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में उस क्षेत्र में आज जल राशियाँ हैं। तो इस तरह से ये रहे आपके एविडेंसेज या साक्ष्य जो कि वेगनर के सिद्धांत को वैज्ञानिकता की तरफ आगे ले जा रहे हैं। वेगनर महोदय का सिद्धांत बहुत ही प्राचीन है, 1912 और 22 का, तो निश्चित रूप से तब से आज तक वैज्ञानिक अनुसंधान से नई नई चीज़ें सामने आई हैं, इसलिए नए परिप्रेक्ष्य में यदि हम इनके सिद्धांत को देखें तो कुछ आलोचनाएं भी मिलती हैं। और क्रिटिसिज्म में जैसे पहला है कि बोथ द फोर्सेस पॉस्टुलेटेड बाई वेगनर फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आर नॉट सफिशियंट, इन्होंने महाद्वीपों को खिसकाने के लिए दो बलों की चर्चा किया, एक तो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, और दूसरा टाइडल फोर्स जो पूरब से पश्चिम महाद्वीपों को खिसकाई है, लेकिन यह दोनों बल महाद्वीपों को खिसकाने में अपर्याप्त हैं। कैसे? जैसा कि आज आप प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के मेंटल में कन्वेक्शनल करंट्स उठती हैं, होम्स महोदय ने भी ये बात कहा था, और उन शक्तिशाली संवहन तरंगों के कारण ऊपर की भूपरपटी का भाग खिसक जाता है, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत आज इस माने में ज़्यादा वैज्ञानिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बोनिफेरस काल के पहले भी यही दोनों बल काम कर रहे थे, फोर्स ऑफ बॉयंसी और पश्चिम की तरफ खींचने वाला ज्वारी बल, तो इन्होंने कार्बोनिफेरस काल के अंत में ही पांजिया को क्यों विखंडित कराया, उसके पहले भी तो करा सकते थे। इस तरह से एक सवाल इनसे खड़ा हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग चर्चा कर चुके थे कि आइलैंड आर्क जितने भी लंबे लंबे द्वीपचाप हैं, ये महाद्वीपों के खिसकने के कारण उनके बचे हुए भाग हैं, लेकिन आज की जियोलॉजिकल स्टडी से और प्लेट टेक्टोनिक के अध्ययन से यह बात साबित है कि ये द्वीपचाप महाद्वीपों के बचे हुए भाग नहीं है और न ही इन द्वीपचापों की संरचना महाद्वीपों की संरचना से मिलती है। जैसे यदि आप एशिया महाद्वीप के पूरब में एक एंडिसाइटिक लाइन है, एंडिसाइटिक लाइन जापान से इंडोनेशिया तक फैली है, जिसमें एंडिसाइटिक एक स्पेशल टाइप का वॉल्केनो होता है, तो यह सब द्वीपचाप एक लाइन में है और वॉल्केनिक इरप्शन के परिणाम है। इसका मतलब कि हम इसकी सही व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक द्वारा प्लेट के मार्जिन स्पेशली विनाशी प्लेट किनारों के सहारे ही कर पाएंगे। तो ये मुख्य रूप से इनकी वेगनर की तीन आलोचना रही, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी इनका सिद्धांत आज कई कसौटियों पर वैज्ञानिक रूप से खरा उतरता है। इसलिए आइए हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि इन आलोचनाओं के बाद भी इनका सिद्धांत आज बहुत ही कई बिंदुओं पर वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। और इनका सिद्धांत तो टेलर में परिमार्जन है, लेकिन यह स्वयं प्लेट टेक्टोनिक को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि टेलर महोदय के पहले पृथ्वी का संकुचन सिद्धांत ही व्याख्या करता था महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति और मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, जैसे कोबर महोदय का। लेकिन टेलर महोदय ने पहली बार महाद्वीपीय विस्थापन बताया, जिसको बहुत अधिक वैज्ञानिक आधार
प्रोफेसर वेगनर महोदय ने दिया और इन्होंने नींव मजबूत किया प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की, और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज की चर्चा किया, जिसके आधार पर ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को बल मिला। और इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की भी चर्चा किया था, और यह भी प्लेट टेक्टोनिक का एक मजबूत आधार सिद्ध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के नए अनुसंधान यह बता रहे हैं कि जो फॉसिल्स मिलते हैं, विशेष रूप से डायनासोर्स के फॉसिल्स, यदि आप कीनिया के डायनासोर के फॉसिल्स और गुजरात के डायनासोर्स के फॉसिल्स या डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स की स्टडी करें तो दोनों में समरूपता है, और यह सिद्ध होता है कि दोनों समकालीन थे, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि कभी इंडिया दक्षिण में था और गुजरात कीनिया से लगा हुआ था। और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण वह माने इंडिया आज उत्तर की तरफ हो गया है और अफ्रीका से अलग हो गया है। इसीलिए तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत भौगोलिक रूप से अफ्रीका का भाग था, किंतु आज भौगोलिक दृष्टि से एशिया का भाग है, सिद्ध करिए। उसमें आपको वेगनर से स्टार्ट कर प्लेट टेक्टोनिक के हवाले इस उत्तर की पुष्टि करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और भी इसका वैज्ञानिक आधार है। यदि आप मिनरल्स की स्टडी करें तो भारत के दक्षिण भाग में कोलार में सोने की खाने हैं, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में कूलगार्ली सोने की खाने हैं, और अफ्रीका के दक्षिण में तो ड्रेकेंसबर्ग के क्षेत्र किम्बरले में भी सोने और हीरे की खाने हैं, और दक्षिण अमेरिका में चिली में। और ये अभी जैसा कि आपने मॉडल में देखा, यदि हम इन सब को पीछे की तरफ खींचें अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ लाएं, तो निश्चित रूप से ये सब भूखंड आपस में जुड़ जाएंगे और एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर सोना ही सोना होगा। और ये सब जब विदा होने लगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, तो जैसे विदाई में आभूषण दिए जाते हैं, उसी तरह से सोना दे करके सबकी विदाई हुई। और यह बात इस चीज़ का वैज्ञानिक सबूत है कि वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी सही है, और यह प्लेट टेक्टोनिक के अनुरूप ही है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बाद में आया है। इस तरह से वेगनर महोदय का सिद्धांत बहुत ही वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, और उसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा कि इनकी मान्यताएं क्या हैं, पास्टुलेशंस क्या है, और इनकी फोर्सेस क्या थी, फिर इन्होंने किस तरह से मैकेनिज्म बताया और उसका मोशन के स्प्रेडिंग पर, महासागरों के फैलने पर, खुलने पर, मध्य महासागरी कटकों के निर्माण पर और मोड़दार पर्वतों पर भी प्रकाश डाला। यह तो चले थे जलवायु की व्याख्या करने, लेकिन इनको रास्ते में और भी चीज़ें मिल गई। सही अनुसंधान करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। और लास्ट में इनके सिद्धांत का आलोचना कर फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, जो कि पॉजिटिव ही है।